दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी एक बीमारी के बारे में जिसको लोग छुपा के रखते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते और इसी के साथ साथ इसी के कारण ये बीमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों पाइल्स या हेमरॉइड्स के बारे में, जिसको हिंदी भाषा में बवासीर भी कहा जाता है। और एनल फिशर एक दूसरी बीमारी होती है। दो अलग अलग बीमारियाँ हैं, लेकिन अक्सर लोग पाइल्स को और एनल फिशर को एक समझते हैं, जबकि ये दो अलग अलग बीमारियाँ हैं। इस वीडियो में आप ये समझेंगे कि ये दोनों अलग अलग बीमारियाँ क्यों हैं और आप इनको कैसे पहचान सकते हैं और इनका इलाज भी अलग अलग क्यों है। हालांकि दोनों बीमारियों का प्रेजेंटेशन बिल्कुल एक जैसा होता है। दोनों ही बीमारियों में मरीज को लेट्रिन के रास्ते लेट्रिन करते समय खून आता है, कभी थोड़ा सा लग के आता है खून या कभी वो बूंद बूंद भी टपकता है लेट्रिन के रास्ते। मरीज घबरा जाता है, देखिए कि अरे खून आ रहा है, अब क्या करें, और वो शर्म के मारे किसी को बताता भी नहीं है, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को नहीं बताता, अपने फैमिली फिजिशियन को नहीं बताता। और जब तक वो बताता है वो बहुत देर हो चुकी होती है या फिर वो ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे लोगों के हाथों में पड़ जाता है जो इस बीमारी को और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। हालांकि अगर समय पर इसका ध्यान दिया जाए तो इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, सिंपली कुछ घरेलू नुस्खों से या कुछ हर्बल ट्रीटमेंट से। आपको शायद सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन हम इसको छुपा के रखते हैं और वो उस हालत तक पहुँच जाती है कि फिर सर्जरी के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचता है। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको इस वीडियो में जो जानकारी मिलने वाली है वो बहुत ही अच्छी जानकारी है, आपके काम आने वाली है, क्योंकि हर तीसरा मरीज अपनी उम्र के किसी ना किसी पड़ाव में इन दोनों बीमारियों में से किसी एक से ज़रूर पीड़ित होता है। जो डिफरेंस है दोनों का प्रेजेंटेशन का दोस्तों यह है कि खून तो दोनों में आता है, लेकिन सिंपल पहचानने का एक ही तरीका है कि हेमरॉइड्स में जो है या पाइल्स में जो है वो खून बिना दर्द के आता है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है अक्सर केसेस में, सिवाय कुछ अगर हम एग्जाम्पल छोड़ दें या जहाँ पे दोनों बीमारी एक साथ हो, पाइल्स भी हो और एनल फिशर भी हो। उसके उल्टे जो एनल फिशर है उसमें मरीज को हमेशा दर्द के साथ खून आता है और उतना ज़्यादा दर्द होता है मरीज को, वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से टॉयलेट ना करे, क्योंकि जब वो टॉयलेट करता है तो अनबियरेबल पेन होता है और जो घंटों तक रहता है। ये बड़ा डिफरेंस है दोनों में, एनल फिशर में, पाइल्स और हेमराइड की बीमारी में। एक्चुअल में जो पाइल्स है वो उन लोगों को होता है जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो लगातार बैठे रहने से, लगातार खड़े रहने से या टॉयलेट में बैठ के ज़्यादा स्ट्रेन करने से, अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है आपको ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, इसके कारण भी पाइल्स या हेमरॉइड्स डेवलप हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद भी, क्योंकि लगातार रेक्टम पे प्रेशर पड़ता है, तब भी पाइल्स होने का डर रहता है। उसी तरीके से जो एनल फिशर है उसका जो मेन कारण है वो कॉन्स्टिपेशन है, या आपने ज़ोर से स्ट्रेन कर दिया टॉयलेट में बैठ के और वहाँ पे एक टियर बन गया, यानी कि जख्म बन गया, तो वो तकलीफ देह होता है। या ऐसे लोग जो एनल क्वाइटस करते हैं उनके अंदर भी एनल फिशर होने का डर बना रहता है, इन्फेक्शन भी एक कारण होता है कुछ लोगों में एनल फिशर होने का। पाइल्स में मरीज को शुरुआती दिनों में हल्का सा एक उभार या सूजन सी दिखाई देती है टॉयलेट के रास्ते पे, और जब ये बढ़ने लगती है तो वो स्वेलिंग्स या जो मस्से है या जो पाइल्स हैं, जो हेमरॉइड्स हैं, वो बाहर की तरफ आने लगते हैं। इसी के बेस पे इसको दो मेन कैटेगरी में रखा गया है पाइल्स को, एक इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं, एक एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं। इंटरनल हेमरॉइड्स हमेशा अंदर रहते हैं, मरीज को बाहर आते हुए नहीं दिखते, उसको सिर्फ महसूस होता है कि कुछ उभार है, लेकिन एक्सटर्नल हेमरॉइड जो है वो बाहर की तरफ आने लगते हैं या बाहर की तरफ दिखने लगते हैं ऑन एग्जामिनेशन। फर्दर इसको और कैटेगराइज किया गया है चार ग्रेड में, 1, 2, 3, 4। जो पहली ग्रेड है उसमें सिर्फ उभार होता है, बाहर मरीज को कुछ नहीं दिखता है। दूसरी ग्रेड में जो ये पाइल्स या हेमरॉइड्स हैं ये बाहर की तरफ आने लगते हैं मस्से, और ये अपने आप ही वापस ऊपर चले जाते हैं जब मरीज खड़ा होता है। ग्रेड 3 में ये मस्से अगर बाहर आ जाते हैं तो अपने आप से ऊपर नहीं जाते, हाँ मरीज अगर उसको पुश करता ऊपर की तरफ तो ये वापस चले जाते हैं। लेकिन ग्रेड 4 में ये मस्से एक बार बाहर आ जाते हैं तो फिर ये अंदर की तरफ नहीं जाते, मरीज अगर कोशिश करता है उसके बावजूद भी। उसके दूसरी तरफ जब एनल फिशर क्रॉनिक हो जाता है और वो बार बार वहाँ पे इंजरी होती है और वो जख्म नहीं भरता है, तो वहाँ पे भी एक छोटा सा मस्सा टाइप बन जाता है, उसको कहते हैं एनल टैग, और वो भी लेट्रिन के रास्ते की बाहर की तरफ छोटा सा टैग एक लटका हुआ दिखता है, ये एनल फिशर में पाया जाता है। हेमरॉइड का मरीज बड़ी आसानी से एग्जामिन करा लेता है, लेकिन जो एनल फिशर का मरीज है उसको उतना पेन होता है कि वो एग्जामिन कराने से भी डरता है, वो फिंगर को इंसर्ट करने से भी डरता है। दोनों का ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। ट्रीटमेंट जो है, अगर हेमरॉइड्स कैटेगरी 1 या ग्रेड 1, ग्रेड 2 तक के हैं
तब तो शायद आपको डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत ना पड़े। सिंपली आपको कुछ लेग्जेटिव्स का इस्तेमाल करना है, जैसे सत्य सबगोल या सबगोल की भूसी आती है, अगर आप रेगुलर रात को कुछ दिन खाना शुरू करें तो आपका मोशन अगर सॉफ्ट आएगा आपको आसानी हो जाएगी, और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी। उसके साथ साथ आप अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंजीर एक बहुत अच्छा लेग्जेटिव है, तो आप सोते समय अगर एक या दो अंजीर अगर खा लें तो उससे भी आपको सुबह मोशन ठीक आएगा। तो कॉन्स्टिपेशन को बचाना है, और आप ऐसा खाना खाएं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, कॉन्स्टिपेशन आपको ना हो, तली चीज़ें ना खाएं, फ्राइड ना खाएं, तो ये अपने आप ही आप हेमरॉइड्स को किसी हद तक रोक सकते हैं। देर तक लगातार ना बैठें, बीच बीच में चहलकदमी करें, एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिएं। उसके बाद अगर ये बढ़ता है तो फिर कई सारे ट्रीटमेंट होते हैं हेमरॉइड्स के, उन मस्सों को निकालने के। कई बार धागा बांध देते हैं, बैरन बैंडिंग करते हैं, या उन मस्सों को काट के ऑपरेट करके निकालते हैं, लेकिन कैटेगरी या ग्रेड 4 की जो हेमरॉइड है वो बिना ऑपरेशन के जनरली नहीं ठीक होती है। उसमें जो ऑपरेशन किया जाता है उसको स्टेपलर हेमरॉइडेक्टमी कहते हैं। मरीज एक दिन अस्पताल में रहता है, दूसरे दिन छुट्टी हो जाती है, और बड़ा सरल और सिंपल इलाज है इसका। तो इसलिए आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे कि मैं वैसे ठीक कर दूंगा। वो कई बार उल्टे सीधे इंजेक्शन्स लगा देते हैं जो अनप्रोफेशनल या जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं, और उसके बाद ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर उतनी ज़्यादा भयानक हो जाती है कि कैंसर तक का रूप ले सकती है। दूसरी तरफ एनल फिशर का भी सिंपल इलाज है, एनल डायलिटेशन किए जाते हैं क्रीम्स यूज़ करने के बाद, और जो ये टैग है या जो ये टीयर था, जो ज़ख्म था, इसको काट के निकाल दिया जाता है, जिसको फिशरेक्टमी कहते हैं। इसको भी अगर ये एक्यूट फेज़ है, यानी कि शुरुआती दिनों में है, अभी आपको हुआ है, तो बड़ी आसानी से आप कॉन्स्टिपेशन होने से अपने आप को अगर बचा लें, और जो सारी ऊपर मैंने कुछ नाम लिए हैं दवाइयों के और कुछ फलों के, अगर ये इस्तेमाल करें आप धीरे धीरे, तो बहुत आसानी से आप अर्ली स्टेज के एनल फिशर को भी ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में भी एनल फिशर का अच्छा ट्रीटमेंट है, वो भी ट्राई किया जा सकता है। लेकिन अगर ये बढ़ जाए, दर्द अनबियरेबल है, क्रॉनिक हो गया है, तो फिर सर्जरी ही एक ऑप्शन बचता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी भरा रहा होगा, और आपको इस बीमारी से लड़ने में मदद करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।